अबे क्या हुआ, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? हाँ मैडम जी, बस हो रही है। तुझे अंदर आके देखती हूँ, रुक आना जरा। अरे मैडम जी, इतनी देर से क्या कर रहा है? हाँ तेरे पे एक चाय नहीं बनी, हम इतनी देर से बाहर बैठे हुए हैं। अरे तो मैडम जी, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, मैं बना ही रहा था। अच्छा, गुस्सा होने की बात थोड़ी ना, इसमें तो खुशी की बात है, क्योंकि तू यहाँ पर हमको बैठ के वेट जो करवा रहा है। देखिए मैडम जी, हमारी दुकान का रूल है, जब तक चाय कड़क नहीं हो जाए ना, तब तक चाय ग्राहक को देनी नहीं है। तुम जबान चला रहा है, अभी खुद को देख, तेरे माँ बाप ने तुझे कितना कड़क कर दिया, काला हो गया तू। मैडम जी अब पता नहीं क्या बोले जा रही है, मैं चाय बनाता हूँ। अब... काला बोला है तुझसे, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को क्या बोला है? देखिए आप भले ही काला बोल लीजिए, पर आप गुस्सा मत करिए, आप बैठिए मैं चाय लेके आता हूँ। अब तो बेटा देख, तू तेरे ना गूगल पे जाके ना हम इस ढाबे की ना रेटिंग भी खराब करेंगे, कि तुम लोग ना देर में खाना भिजवाते हो और अपने आगे कस्टमरों को ना सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। मैडम मालिक ने हमें इस नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा मत करिए। चल ठीक है, अगर तू चाहता है ना मैं ऐसा कुछ ना करे, एक प्लेट ना शाही पनीर पैक कर और हम पैसे नहीं देंगे देर को। मैडम कैसी बात कर रही है, शाही पनीर 280 रुपए का है और आप पैसे नहीं दोगे? अबे ओए, जब मालिक तुझे बाहर निकाल के फेंक देगा ना, तब 280 रुपए भी नहीं मिलेंगे तेरे को। मैडम जी हम शाही पनीर ऐसे फ्री में पैक नहीं करवा सकते, आप रहने दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, ये क्या शाही पनीर? अब हाथापाई क्यों कर रही हो? अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, उसने शाही पनीर मांगा है, शाही पनीर पैक कर। एक मिनट, कोई शाही पनीर नहीं मिलेगी, तुम लोगों का सही है, रोटी चोरी करके ले ली और शाही पनीर फ्री में पैक हो जाएगी, तुम्हारा खाना हो जाएगा आराम से फ्री में। कौन है तू और क्या बकवास करे जा रहा है कि रोटी फ्री में ले ली? रोटी हम बगल वाले ढाबे से लेके आए हैं और वही शाही पनीर की बात ना, बहुत देर से हम यहाँ पे बैठ के ना वेट कर रहे हैं और इससे बोला था एक प्लेट शाही पनीर पैक कर दे, अभी तक करके नहीं लेके आया, 2 घंटे हो गए। लेकिन मैडम जी जब आप ढाबे पे आए थे तब तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो रोटी आप कहाँ से ले आए? तू अम्मी को देख रहा था? हाँ रोटी तू बना रहा था ना, अगर हम रोटी चोरी करते तो ये पता चलता ना, पता नहीं कैसे कैसे लोग। चलो प्रेमी यहाँ से। मैडम एक मिनट, कहीं नहीं जाओगे आप जब ये काली करतूत अपनी कर रहे थे ना, तब मैंने ना आपकी पूरी वीडियो बना ली है, यहाँ से जाने की सोचना ही मत। ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे ढाबे पे, रोटियां चुरा रहे हैं इस डंडे की मदद से। ये लोग भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अब देखता हूं इन्हें। अबे ओए, किस किस बात की वीडियो? हमने कुछ किया ही नहीं है, तो तूने वीडियो में क्या रिकॉर्ड किया है? ये लोग ना मुझे ऐसी लग रहे हैं ऐसे ना लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते होंगे। हाँ, और तू वैसे है कौन? भाई साहब ये ढाबा ना मेरा ही है, और आप जब उस डंडे की वजह से चोरियां कर रहे थे ना यहाँ पे रोटियों की, तो मैंने देख लिया था और आपकी वीडियो ही बना ली है, और अभी विश्वास नहीं है ना तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। अरे नहीं, वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला, वो रोटी हमने आप ही के यहाँ से चुराई है और शाही पनीर फ्री में पैक करा रहे थे, पर भैया वो हमारे पास में ना खाने के लिए पैसे नहीं थे और हमारे जॉब भी चले गए, तो हम लोगों को भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से चोरी कर लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी हालत देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मजे आते हैं चोरी करके खाने में, क्योंकि तुम्हारे कपड़े देख के मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हें चोरी करने की जरूरत है। नहीं भैया हम सच बोल रहे हैं, कुछ टाइम पहले ही हमारी जॉब चली गई है। हाँ भैया, और भैया हम ना दूर शहर से आए हैं, आगरा में ना 3 महीने पहले आए थे और हमारी अब जॉब छूट गई है, तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमने रेंट भी नहीं दिया अभी, तो भैया इसीलिए हमें चोरी करनी पड़ी। अच्छा, अगर तुम्हारी जॉब छूट गई है तो तुम चोरी का सहारा ले रहे हो कहीं और जॉब ढूंढने की बजाय। सही है बेटा सही है, आज तो तुम खाने की चोरी कर रहे हो, कल पैसों की कमी आएगी, टैंग लूटना। सॉरी भैया, आज के बाद हम लोग कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। एक काम करो, मेरा ना पास में एक और स्टोर है, उसमें तुम कैशियर की जॉब करना और तू यहाँ पे लग जा, अगर तुम्हें जॉब की सच में जरूरत है तो। थैंक यू सो मच भैया। लखन मैडम को स्टोर लेके जाओ और इसे यहाँ का काम समझाओ। जी मालिक, आइए मैडम।